हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है गाजर, ये हाफ किलो है। और इसके साथ मैंने यहाँ पे दूध लिया हुआ है एक कप, और मैंने लिया है घी जिसे मैं गाजर को फ्राई करने के लिए यूज़ करूँगी। और यहाँ पे लिया है शुगर, जितना गाजर ले रही हूँ उसके हाफ जितना शुगर ले रही हूँ, और सेम क्वान्टिटी मिल्क भी ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है ड्राई फ्रूट्स, ये काजू और किशमिश है, आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं। और मैंने लिया हुआ है इलायची, 4 से 5 इलायची लिया हुआ है। चले अब हम बनाने चलते हैं गाजर का हलवा। हलवा बनाने के लिए पहले एक मैंने कढ़ाई लिया है, इसमें 2 से 3 से 4 स्पून तक मैंने घी ऐड किया है। आप कितना भी घी ऐड करो, घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। अब मैं इसमें गाजर ऐड करूँगी और एक 25 मिनट तक इतने अच्छे से फ्राई करूँगी कि गाजर हाफ क्वांटिटी तक हो जाए। इतने अच्छे से घी में फ्राई करके लेना है। तो अब मैं इसमें गाजर ऐड करूँगी। अब इसे मैं फ्राई कर लूँगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने गाजर को अच्छी तरह से ये मिक्स कर लिया है। ये 20 से 25 मिनट तक मैं इसे फ्राई करके ले रही हूँ ताकि गाजर अच्छे से पक जाए। अब मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। और फिर इसे अच्छे से फ्राई करके इसे बॉईल कर दूँगी। इसमें मैंने मिल्क ऐड कर लिया है। इसे मैंने अभी धीमी आंच पर रख दिया है, ढक के मैं 10 से 15 मिनट रख दूँगी। अब ये मैं 10 मिनट के बाद ओपन कर रही हूँ। अब ये अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब इसमें मैं शुगर ऐड कर दूँगी। शुगर ऐड कर दिया है। अब फिर से इसे शुगर मेल्ट होने तक मिक्स करना है। अभी शुगर मेल्ट होने तक मिक्स करना है हमें। ये अभी शुगर अच्छे से मेल्ट हुआ है और ये थोड़ा ड्राई भी हो रहा है पानी। गैस फास्ट रखा है क्योंकि मेरे गाजर ऑलरेडी पक चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये ड्राई फ्रूट्स और इलायची है, ऐड करूँगी। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये थोड़ा सा पानी सूखने तक इसे अच्छे से फ्राई करना है। फिर हमारा गाजर का हलवा रेडी है। ये भी पानी भी सूख गया है और हमारा गाजर का हलवा रेडी है खाने के लिए। ये हमारा गाजर का हलवा रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी है खाने के लिए। प्लीज़ इसे बनाना ट्राई कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।